हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। मिर्जापुर की बाहुबली ही नहीं बल्कि स्क्रीन पर इन किरदारों में भी जलवा बिखेर चुकी हैं गोलू गुप्ता। श्वेता त्रिपाठी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। खास बात यह है कि बर्थडे से ठीक पहले उनकी हिट वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन भी रिलीज हो गया है। इस सीरीज में गैंगस्टर बनी गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी छा गई हैं। चलिए आपको मिर्जापुर के इतर श्वेता त्रिपाठी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। सिनेमा जगत में कई ऐसे कलाकार हैं जो भले ही ज़्यादा लाइमलाइट में ना रहते हों, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते हैं दर्शकों का मन मोह लेते हैं। ऐसे कलाकारों में श्वेता त्रिपाठी का नाम भी आता है। मिर्जापुर में गोलू गुप्ता के कैरेक्टर से दिल जीतने वाली श्वेता त्रिपाठी ने बड़े पर्दे और OTT प्लेटफॉर्म पर कई तरीके के किरदार निभाए हैं जिन्हें खूब प्रशंसा भी मिली है। चलिए आपको श्वेता त्रिपाठी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। श्वेता त्रिपाठी मिर्जापुर के लीड कैरेक्टर्स में से एक हैं। इस सीरीज से यूं तो कई किरदारों का पत्ता साफ हो गया है, लेकिन गोलू गुप्ता पहले सीजन से सीरीज में डटी हुई हैं। उनका किरदार भी हर सीजन में मजबूत हुआ है। मिर्जापुर 3 में श्वेता का गैंगस्टर अवतार देखने को मिला है, वह गोलू गुप्ता के रूप में छा गई हैं। पिछले साल जियो सिनेमा पर रिलीज हुई कालकूट में श्वेता त्रिपाठी ने विजय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर किया था। वह शो में पारुल चतुर्वेदी बनी थी जिस पर एक एसिड अटैक हुआ था और उनकी शादी विजय वर्मा से होने वाली होती है जो एक पुलिस ऑफिसर है। सीरीज में श्वेता ने एक अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का ध्यान खींचा था। श्वेता त्रिपाठी की कॉमेडी सीरीज लाखों में एक सीजन 2 देखा है। इस सीरीज में डॉक्टर श्रेया बनकर श्वेता ने OTT प्लेटफॉर्म का सबका दिल जीत लिया था। 2019 में रिलीज हुई ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। उन्होंने इसमें अपने करियर की बेहतरीन अदाकारी दिखाई है। सिर्फ लीड रोल में ही नहीं बल्कि श्वेता त्रिपाठी ने कम स्क्रीन टाइम में भी खुद को साबित किया है। वे 2019 में TVS ट्रिपलिंग के दूसरे सीजन के तीसरे एपिसोड में बेगम जैनब के किरदार में नजर आई थी जिसे एक बूढ़े नवाब से इश्क हो जाता है। उन्होंने अपनी भूमिका से लोगों का दिल भी जीता था। श्वेता त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी। 2009 में वे पहली बार टीवी शो क्या मस्त है लाइफ में नजर आई थी। इस सीरीज में वह टॉम बॉय जैनिया खान बनी थी। इस शो में सहीर शेख, सना अमीन और आशीष जुनेजा ने भी लीड रोल प्ले किया था। श्वेता त्रिपाठी वेब सीरीज के अलावा फिल्मों में भी जलवे बिखेर चुके हैं। उन्होंने मसान मूवी में विक्की कौशल की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। शालू गुप्ता वन सेवेज श्वेता ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। 2019 में श्वेता त्रिपाठी की एक फिल्म आई गोन कैश जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें वह अनाक्षी दासगुप्ता बनी थी जिसे एलोपेशिया नाम की बीमारी होती है और वह धीरे धीरे टकली हो जाती है। भले ही फिल्म खास कमाल नहीं कर पाई लेकिन क्रिटिक्स से इसे अच्छा रिव्यू मिला था। मूवी में पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा श्वेता त्रिपाठी तमिल फिल्म मेहंदी सर्कस, इंग्लिश मूवी द इलीगल, रात अकेली और कंजूस मक्खी चूस जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वह मेड इन हेवन के एपिसोड में भी नजर आई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।